अगली खबर आ रही है रीवा जिले से, जहां चोरहटा थाना क्षेत्र के छिजवार स्थित गांधी चौक में विगत दिनों एक युवक के साथ मारपीट हुई थी, जिसमें तीन युवकों ने चाकू से हमला कर दिया था। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में पहुंचाया है। वहीं तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं घायल के साथियों ने बताया कि पुलिस के द्वारा मारपीट और चाकूबाजी के मामले में उन्हें भी दोषी बता रही है। घायल और उसके साथियों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। आइए सुनाते हैं घायल के परिजनों ने क्या कहा है। वहाँ पे हम लोग आए थे गांव से कुछ सामान लेने, ट्रैक्टर का पंखी का टूट गया था। इन लोग चौराहे के पास, सिजवार चौराहा, सिजवार चौराहे के पास आए। इन लोग आगे से बाइक लगाए, बाइक लगा के सीधे हम लोग के ऊपर हमला किए। लगते के बाद कहाँ पता नहीं छुरा लिए थे इन लोग सीधे सत्यम सिंह के, छुरा भोंक के सीधे चौकी पहुँच गए। चौकी पहुँच के इन लोगों ने बोला कि हमें राजीव मारा, उसको छुरा हमारा नाम लगा रहा। इन लोगों ने उनको सत्यम को, फिर चौकी गए तो चौकी बोली चरपहिया मंगाओ अपनी, तो मैं मंगाया। वहाँ से उन लोगों को बैठ दिया गया चौकी में, और फिर इसके बाद मैं अपनी चरपहिया मंगाया, संजय गांधी लाया। एक चौकी से पुलिस वाले आए थे, उनका नाम नहीं पता मुझे। समथिंग वहाँ पे 5-6 लोग थे, लेकिन मारने वाले 3 लोग थे। इससे पहले आपको विवाद हुआ था उनसे? विवाद पिछले कुछ समय पे हुआ था, गणेश चतुर्थी टाइम पे, ऐसे गाली गलौज के चक्कर थे। जिन लोगों ने मारपीट किया उनका क्या क्या नाम है, वो कहाँ? धीरू सिंह हैं, गुड्डू सिंह हैं, और एक जन अनिकेत बनिया, सब मध्यपुर के ही हैं। FIR में पुलिस में अभी नहीं देखा हूँ, हॉस्पिटल से नहीं गया हूँ मैं, मुझे भी नहीं पता क्या लिखी है। यहाँ से कुछ ले गई है, नोकीली चीज़ लिखी है, अपने नोकीली चीज़ से मारा गया है। घायल कौन है आपकी तरफ से? अभिषेक सिंह, सत्यम सिंह घायल है। घायल हैं। क्या क्या कह रहे हैं? हम चाह रहे हैं उसमें बड़ी सी बड़ी घटना से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मारने की जान से कोशिश की गई है। कौन सा थाने की घटना है ये? अपने चुरहटा थाना की चौकी है, सिजवार में। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।